हेलो दोस्तों, रिंग दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सब कैसे होंगे? आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों पता है, अगर आपके पास एम आई वन डिवाइस है तो एम आई वन डिवाइस के लिए अगस्त का सिक्योरिटी पैच का जो 8.1 का अपडेट है वो ऑलरेडी आ चुका है। और आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या नया चेंजेस आया है और इस चेंजेस के साथ कुछ सच में कुछ और कुछ बग्स लेके आ गया है कि नहीं, कुछ और कुछ प्रॉब्लम लेके आ गया है कि नहीं, और सच में आपको इस अपडेट का इंस्टॉल करना है कि नहीं। तो सभी इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा तो क्या नया चेंजेस आया है, क्या नया बग्स है, क्या नया इंप्रूवमेंट हुआ है और सच में आपको जुलाई से अगस्त में अपडेट करना है कि नहीं। तो सभी जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इस तरह से जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों मी ए वन डिवाइस पे जो अगस्त का सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट है तो वो बेसिकली आ चुका है मी ए वन डिवाइस के लिए। और दोस्तों पिछले बार की तरह ही जो जैसे दोस्तों 8.1 का अपडेट है, आपको कोई पाई बाई का अपडेट नहीं मिलता है। ये 5 अगस्त सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ आता है और सिर्फ इसमें जो है बिल नंबर ऑब्वियसली चेंज कर गया है, V9.6.5.0 पे चेंज किया गया है। और इसका जो अपडेट है लगभग 474 MB का है और इसमें मेरे को कोई ऐसा कोई शिकायत या फिर एमआई वालों से ऐसा कोई शिकायत नहीं है जैसे करके कि मेरा पिछले जो जुलाई का अपडेट था तो जिसमें क्या हुआ था कि सारी मैसेज जो था ऑलरेडी डिलीट कर दिया गया था, तो वो इस अपडेट में नहीं है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों इसमें कोई बिल्कुल भी शिकायत नहीं है, मेरा जो मैसेज वगैरह है बिल्कुल परफेक्ट सही है, कोई डिलीट विलेट नहीं हुआ है। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जैसे अगर अपडेट करना चाहते हैं तो मिनिमम 40% से ऊपर बैटरी को चार्जेस रखिए, नहीं तो ये अपडेट मत करिए। क्योंकि जो अगर अपडेट करने जाएगा तो 40% से कम अगर चार्ज है तो पहले 30% से कम से भी हो जाता था, अब जो है दोस्तों 40% से ऊपर अगर चार्ज रखेंगे तभी जो है बहुत ही आसान तरीके से अपडेट कर पाएंगे, ये कुछ मैंने नोटिस किया हूँ। और दोस्तों और जो एक बाग्स मैंने नोटिस किया बैटरी सेक्शन के अंदर, अगर आप कुछ भी कर भी नहीं रहे तो ठीक है, कुछ छोटा मोटा टास्क हो रहा है, बैकग्राउंड में कुछ नोटिफिकेशन वगैरह चल रहा है तो तब भी बहुत ही ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है। पहले जुलाई में था तो ऊपर उतना ज़्यादा नहीं था दोस्तों, अगस्त में बहुत ही ज़्यादा आ गया है बैटरी ड्रेनिंग का ऑप्शन। और इसमें क्या हो रहा है कि अगर रात को सोने जा रहा है अगर 40% आपका चार्ज है तो सुबह उठ के देखेंगे 20% से भी कम गिर गया है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन हो रहा है जो अगस्त सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ, तो मेरे हिसाब से तो ये भी तो बेकार अपडेट है दोस्तों। और एक चेंजेस की बात किया जो मैंने नोटिस किया हूँ, जो डायलर पैड में जो है पहले नेटिव जो वीडियो कॉल का ऑप्शन है दोस्तों पहले भी नहीं था, नॉर्मल जो कॉल करने से वहाँ से ही डायल पैड से जो नेटिव वीडियो कॉल का ऑप्शन तो वो दोस्तों नहीं था दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सिंपल जो ऑडियो कॉल का ऑप्शन है, पर अगर आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही आसान सा ऑप्शन है कि सिंपल आप जो है अगर आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो जियो टू जियो, तो सिंपल आप उस कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर जाएंगे और कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो वीडियो कॉल का ऑप्शन है तो सिंपल यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो तब वीडियो कॉल का ऑप्शन लग जाएगा, नहीं तो दोस्तों नॉर्मल डायल पैड से ही वीडियो कॉल नहीं हो पा रहा है। और जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो जुलाई सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट के साथ था, यहाँ पे जो प्रॉब्लम फिक्स कर दिया है नोटिफिकेशन लाइट का प्रॉब्लम जो था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ का जो नोटिफिकेशन लाइट था, पहले क्या होता था कोई भी अगर नोटिफिकेशन आते थे तब वहाँ पे जो कि जुलाई अपडेट के साथ यहाँ पे जो कोई भी अगर नोटिफिकेशन आते थे तो वो जो है नोटिफिकेशन लाइट जो स्टे करके रह जाता था, बंद नहीं होता था, अब जो है सिंपली ब्लिंक हो जाता है उसके बाद जो है वो तुरंत बंद हो जाता है, ये जो है चेंजेस हुआ है। अगर आप कुछ थर्ड पार्टी लॉन्च को आप यूज करते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से थर्ड पार्टी और जो लॉन्चर है बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, और इंस्टॉल होने जाने के बाद अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही आसान तरीके से यूज भी हो जाता है, कोई भी फोर्स क्लोज पोज का ऑप्शन नहीं है जो पहले दोस्तों होता था, अब दोस्तों बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब लॉन्चर जो है वर्क स्मूथली कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट ड्रॉप डाउन नोटिफिकेशन जो है फिंगरप्रिंट यहाँ पे से क्लिक करने से ड्रॉप डाउन स्वाइप डाउन करने से फिंगरप्रिंट जो है नोटिफिकेशन ऑप्शन वो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से काम कर रहा है, थोड़ा सा डिले है पहले की तरह से, थोड़ा सा डिले है अब जो है पर ठीक ठाक काम कर रहा है, और पहले जो था तो थोड़ा सा डिले होता था, अब जो है बिल्कुल स्मूथ तरीके से काम कर रहा है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और यहाँ से जब ऐसे करेंगे तो सिंपली ये इस तरह से हो रहा है, स्वाइप डाउन करेंगे तो ये इस तरह से स्वाइप डाउन करेंगे तो नोटिफिकेशन पहले पुल डाउन हो जाएगा और ऊपर करेंगे तो पुल अप हो जाएगा, ये बहुत ही आसान है, तो पहले होता था पर उतना ज्यादा स्मूथली वर्क नहीं करता था। तो और जो एक बात है, बहुत सारा दोस्तों को मेरा जो प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों साउंड को लेके, बहुत सारा दोस्तों का बहुत सारा प्रॉब्लम था, किस तरह का प्रॉब्लम था कि वो जब साउंड कोई प्ले करते थे तो उसमें क्या होता था कि हेडफोन से अगर उस साउंड को हेडफोन से अगर सुनना चाहते थे तो उसमें जो है थोड़ा सा मतलब अनोइंग नॉइज जो आता है सी सी करके इस तरह से कुछ नॉइज आता था, तो पहले जुलाई के अपडेट में वो था, अब जो है मेरे को वो अपडेट जो अगस्त का अपडेट है तो उसमें ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से हेडफोन में जो आउटपुट जो है ऑडियो का
उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से जो आवाज़ था वो चला गया है, उसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब मेरे को सुनने में बिल्कुल परफेक्ट ठीक ठाक लग रहा है। जुलाई अपडेट में वो था आवाज़ आ रहा था तो बहुत सारे यूजर को मेरा जो प्रॉब्लम आ रहा है उसमें क्या होता है कि जब भी वो कोई वीडियो को प्ले करता है तो उसमें क्या होता है कि ऑटो रोटेट का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उनको नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऑटो रोटेट वो जब करने जाते थे तो सही तरह से नहीं होता है, पर अगर होता है तो वहाँ से अटक अटक जाता है, पर अब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से जो ऑटो रोटेट का प्रॉब्लम है वो कब चला गया है, ऐसा कोई मेरे को फील नहीं आ रहा है जो हैंग हो रहा है या फिर ऑटो रोटेट सही तरह से नहीं हो रहा है, पर अब जो है बिल्कुल बहुत ही आसानी से ऑटो रोटेट का ऑप्शन जो है चालू हो गया है। और ये कुछ चेंजेस मेरे को अगस्त का सिक्योरिटी पैच के अंदर नज़र आया है। तो ये ब्लूटूथ का जो ऑप्शन है, ब्लूटूथ के ऑप्शन के साथ कोई भी डिवाइस को अगर कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ डिवाइस को तो उसमें वहाँ का जो बैटरी परसेंटेज है उस डिवाइस का तो वो यहाँ पे शो करता था, वो पहले 8.1 से अपडेट से ही वो शो कर रहा था, पर अब जो है वो बिल्कुल बहुत ही आसानी से शो भी कर रहा है, कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ बॉक्स मेरे को नहीं नज़र आया है, वो सही तरह से शो कर रहा है। पर कुछ कुछ डिवाइस में मैंने देखा तो वो शो नहीं करता था, पर अब जो है वो उस डिवाइस में बैटरी परसेंटेज को भी शो करने लगा है, ठीक है। और दोस्तों इस अपडेट में सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा दोस्तों वो यह है कि प्रोटेट मोड में ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल बेकार का चीज़ कर दिया है दोस्तों। प्रोटेट मोड पे अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट को लेके वहाँ पे आप ट्रैकिंग करने जाए तो ह्यूमन वगैरह अगर हो तो बहुत ही आसान तरीके से ट्रैक कर जाता है, पर अगर आप कुछ और कुछ डिवाइस को ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट मोड में ट्रैक करने या फिर फोकस करने जाए बिल्कुल जो स्मैशी हो जाता है, फोकस नहीं हो पा रहा है, ये बहुत सारा यूज़र का प्रॉब्लम है। तो मैं भी दोस्तों ऐसा ही प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, कॉमेंट करके ज़रूर बता दीजिए तो आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। प्रोटेट मोड है, प्रोटेट मोड पर ऑब्जेक्ट की फोकसिंग में ट्रैकिंग में बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कत है, ऑब्जेक्ट को ठीक तरह से फोकस नहीं कर रहा है, ये मेरे साथ भी हो रहा है तो शायद आपको साथ भी हो रहा है कि नहीं, जरूर कमेंट करके बता दीजिए। तो मैंने ये नोटिस किया। और दोस्तों कैमरा वगैरह में कुछ चेंजेस नजर नहीं आया, जैसे बिल्कुल पहले की तरह वैसे ही है, पर प्रोटेक्ट मोड मेरे को सही नहीं लग रहा है, वो सही तरह से जो है इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है, जो बोके इफेक्ट मोड है तो वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है प्रोटेक्ट मोड पे, ठीक है। आपको ESI सपोर्ट नहीं मिलता है और शायद मेरे को लगता भी नहीं है और EMI जो है ESI सपोर्ट देंगे। दोस्तों अंतुतु बेंचमार्क की बात करें तो 78,468 आपको स्कोर मिल जाता है, जो पहले था 79,000, तो ये क्यों घटा दिया गया है मेरे को पता नहीं है, तो आपके फोन पे कमेंट करके जरूर बता दीजिए आपका बेंचमार्क शो क्या शो कर रहा है, आपका परफॉर्मेंस घटा है कि नहीं। तो मेरा जो है परफॉर्मेंस चेंजेस पे कुछ खास नजर नहीं आया, पर यहाँ पे जो अंतुतु बेंचमार्क स्कोर है वो चेंज हो गया है और 1000 कम हो गया है, ये क्यों हुआ मेरे को पता नहीं है। और अब मेरा जो है चेंज होने के बाद भी उतना ज़्यादा खास इफेक्ट मेरे को नहीं लगा, और पहले की तरह जो है ट्रैवल सपोर्ट का अपडेट अभी भी नहीं मिलता, और यहाँ पे प्रोजेक्टेबल देख सकते हैं अनसपोर्टेड है, शायद मेरे को लगता भी नहीं है कोई पाई अपडेट आने के बाद भी जो है Xiaomi जो है MIUI डिवाइस के लिए प्रोजेक्टेबल सपोर्ट अपडेट दे। और दोस्तों प्रोजेक्टेबल सपोर्ट क्या होता है इसके लिए मेरा ऑलरेडी वीडियो है, तो मैं इसके लिए एक बार बता देना चाहता हूँ। गूगल का जो है फास्टर अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं डिवाइस पे तो उसमें प्रोजेक्ट सपोर्ट अपडेट होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट सपोर्टेड जो है वो आपके डिवाइस पे होना चाहिए, जो हम लोगों का MIUI डिवाइस पे नहीं है, इसलिए इतना देर पे अपडेट आता है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने जाता हूँ तो देखिए पहले आवाज़ जो है नोटिफिकेशन का ये आवाज़ नहीं था और अब जो है ये आवाज़ आ रहा है, तो मेरे को आप कमेंट करके बताइए आपको पहले से ही आवाज़ आ रहा था कि या फिर मैंने जो नोटिस किया मेरा इस अपडेट के बाद ही आया है, ये जरूर कमेंट करके बता दीजिए। कि यहाँ पे जो अगर मैं वाईफाई का कनेक्ट करूँ, अगर आपके घर पर डुअल बैंड वाईफाई है, ठीक है, जैसे करके 2.4 GHz का और 5 GHz का वाईफाई राउटर है, तब यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया हूँ जो है 2.4 GHz तो ठीक है, पर 5 GHz जो है दोस्तों, ये 5 GHz का जो राउटर है, तो यहाँ पे जो है मैं राउटर से थोड़ा सा दूर हूँ, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैंने जो खुद नोटिस किया एक दो दिन से मैंने इसलिए वीडियो नहीं आया था, जिस दिन अपडेट आया था उसी दिन मैंने अपडेट कर लिया था, पर वीडियो नहीं बनाया था आप लोगों के लिए, पूरा टेस्ट करके बताओ सभी स्टेप बाय स्टेप, तो इसलिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 5 GHz का जो राउटर है, ये मेरा ऊपर का जो है 2.4 GHz का, नीचे जो है 5 GHz का राउटर है, तो 5 GHz के राउटर के अंदर मैंने देखा यहाँ पे सिग्नल थोड़ा सा कम है, बाहर बहुत ही दूर हूँ मैं राउटर से, तो यहाँ पे मैंने जो नोटिस किया दोस्तों पहले ये नहीं होता था, 5 GHz राउटर के अंदर जो है स्पीड थोड़ा सा है, राउटर इंक्रीज हो गया है, क्यों हुआ है मेरे को पता नहीं है, 5 GHz राउटर के अंदर थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज हो गया है। पहले जो था, पहले भी मेरा जुलाई जब अपडेट आया था, जुलाई का सिक्योरिटी पैच लेवल था, तो उसमें भी मैंने 5 GHz राउटर यूज करता था, पर उसमें जो है उतना ज़्यादा स्पीड नहीं मिलता था, पर अब जो है स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, तो आप भी मेरे को कमेंट करके बता दीजिए तो सच में आपका 5 GHz का डुअल बैंड राउटर के साथ स्पीड इंक्रीज हुआ है कि नहीं। फिर नेट अगर आप जब चालू करने जाए तो ठीक है, एक बार बंद कर दिया तो ठीक है, उसके बाद अगर चल रहा है तो ठीक है, तो नहीं तो अगर बंद करके चालू करेंगे तो यहाँ पर नेट जो है
बहुत ही देरी से इंटरनेट काम करता है, ये बहुत ही बड़ा बग्स मेरे को नज़र आया है। ये जो है, आप अगर इंटरनेट ऑन करेंगे तो बहुत ही देर के बाद जो है इंटरनेट एक्टिवेट होगा। ये क्यों हो रहा है? ये शायद एक बागी होगा, तो शायद नेक्स्ट अपडेट में इसका फिक्स कर दिया जाएगा सामी ने। एक बात है कि अगर इस अपडेट आपको नहीं मिल रहा है और अगर कोशिश कर रही है तो अपडेट करने जाए और आपका फिर भी आपके सेट पर अपडेट नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। इसके लिए आपको कोई भी क्लियर कैचे डाटा वगैरह को फिल करके जो बीटा वर्जन मेंबर होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप वेट कर लीजिए, आपको 100% मिलेगा। नहीं तो आपको फ़ोन को जो रिबूट करके ऑन कर लीजिए, 100% आपका अपडेट आ जाएगा। इसका जो एग्जांपल है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा जो फ़ोन पे जब मैंने ये अपडेट आया था तब मेरा कोई भी गूगल अकाउंट भी इसमें लॉगिन नहीं था, फिर भी अपडेट आ गया था। इसका मतलब यह है कि MI जो है MI A1 डिवाइस के लिए धीरे धीरे सभी डिवाइस पे अगस्त का अपडेट, सिक्योरिटी पैच का अपडेट पुश आउट कर रहा है। तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, अगर आपका बूटलोडर अनलॉक भी है फिर भी आपको भी अपडेट आ जाएगा और अपडेट बहुत ही आसान तरीके से कर भी पाएंगे। और अगर अपडेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सिंपल क्या कर लीजिए, रूट करने के बाद जो या फिर GCOM इंस्टॉल करने के बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है तो अगर उसमें इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो मेरा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मेरा GCOM भी इंस्टॉल है और बूटलोडर भी अनलॉक था, फिर भी मेरा अपडेट आ गया, तो मैंने अपडेट भी कर लिया था। सिंपल आप ऐसा नहीं हो रहा है तो आप क्या कर लीजिए कि आपका फ़ोन को एक बार फुल फैक्ट्री रिसेट कर दीजिए, फिर भी रूट हो या फिर ना हो फुल को फैक्ट्री रिसेट कर दीजिए, अपडेट बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे क्योंकि मैं 8.1 का रूट किस तरह से करना है, किस तरह से इसको मॉडिफिकेशन करना है और इसका जो GCOM इंस्टॉल, ये बिल्कुल अलग तरह का प्रोसेस है। मेरा ऑलरेडी GCOM इंस्टॉल का वीडियो बनाया था, वो 8.0 का था, पर इसमें जो है 8.1 का है, तो इसका प्रोसेस पूरा अलग है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, मैं एक दो दिन के अंदर इसका रूट प्रोसेस अगस्त सिक्योरिटी पैच के साथ और जो है डॉल्वी वगैरह इंस्टॉल टोटल मॉडिफिकेशन जो है सभी मेरे चैनल पे लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए GCOM इंस्टॉल। तो वीडियो को मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों अगर आपका फ़ोन रूट है, और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, सिंपल आप जो प्ले स्टोर में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे जो है सेटिंग्स पे जाएंगे, इसमें जाएंगे यहाँ पे देखिए प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेट जो है, अगर आप रूट है तो डिवाइस नॉट सर्टिफाइड दिखाएगा यहाँ पे, पर मेरे जो अनरूट कर लिया हूँ तो यहाँ पे जो है डिवाइस ही सर्टिफाइड दिखा रहा है। तो इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, उतना आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों कैमरा जो है, कैमरा का जो शटर स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया है यहाँ पे, बहुत ही आसान तरीके से कोई भी शटर करने जाएंगे तो पिक्चर खींचने जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हो रहा है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम मेरे को नज़र नहीं आ रहा। और दोस्तों बैटरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो अगस्त का सिक्योरिटी पैच है, तो इसमें बैटरी को चार्ज करने के लिए मतलब 1 घंटा 45 मिनट आपको लग जाता है बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए, और उसके बाद मॉडरेट यूज पे अगर आप डिस्चार्ज करने जाएं तो 1 से 1% में तो मिनिमम 4.5 आवर से ही पूरा स्टॉक आउट हो जाता है। पर मेरा जो पहले जो जुलाई का अपडेट था उसने उतना ज़्यादा नहीं था, अगस्त पे जो है बैकग्राउंड पे किस तरह से काम चलता है नोटिफिकेशन का टास्क का तो उसके लिए ऑटोमेटिक बैटरी को खींच लेता है, तो ये बड़े दिक्कत की बात है दोस्तों। पूरा नाइट में जो है बैटरी ड्रेनिंग होते रहता है अगर कुछ करे या फिर ना करे तो। ये दोस्तों अपडेट, दोस्तों ये जो अपडेट है उतना ज़्यादा खास कुछ नहीं लगा मेरे को और उतना ज़्यादा कुछ चेंजेस भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैं और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप फिंगरप्रिंट को यहाँ पे जब ऑन करेंगे, फिंगरप्रिंट को यहाँ पे जब क्लिक करके जो ओपन करने की कोशिश करेंगे, डिले जो है थोड़ा सा नज़र आ रहा है जुलाई अपडेट से, यहाँ पे अगस्त में थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिले हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है मेरे को पता नहीं है, पहले जो है जुलाई का अपडेट में उतना ज़्यादा फास्ट था, थोड़ा सा भी फास्ट था, अब जो है थोड़ा थोड़ा डिले हो रहा है। तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए आपको भी ऐसा प्रॉब्लम फील हो रहा है कि नहीं। और दोस्तों यही था थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन दोस्तों। तो मेरे हिसाब से मेरा जो ओवरऑल ओपिनियन की बात करें दोस्तों, अगर अपडेट करना चाहिए कि नहीं दोस्तों, अपडेट जरूर कर लीजिए, मेरे हिसाब से तो अपडेट कर लेना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलते रहे। और उतना ज़्यादा कुछ खास बड़ा भी अपडेट नहीं है, 474 MB का है तो अपडेट कर सकते हैं। और मेरे को अपडेट करके जरूर कमेंट करके बताना ताकि और भी जो व्यूअर्स हैं उनको भी हेल्प हो जाए। तो ये मैं जो प्रॉब्लम नोटिस किया हूँ, फेस किया हूँ, आपको भी ऐसा ही नोटिस हो रहा है कि नहीं, तब भी उनको जो है उनको भी पता चले, आप उनका भी हेल्प हो जाए। इस प्रॉब्लम को छोड़ो कुछ और कुछ प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ और कुछ दिक्कत है वो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप लोगों के लिए जरूर हेल्प करूँगा। और आपका जितना सारा MI A1 दोस्त है उनको भी सर शेयर कर दीजिए ताकि वो को भी इसी तरह का टिप्स ट्रिक्स वीडियो के बारे में पता चले। और चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि इसका जो जितना सारा मॉडिफिकेशन है मैं आपको लेके आता रहूँगा एक दो दिन के अंदर, इसका GCOM इंस्टॉलेशन और इसका जो रूट वूट वगैरह है, 8.1 का प्रोसेसर थोड़ा सा अलग है, सभी जानने के लिए दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आपके दोस्तों को भी साथ भी शेयर कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हैव ए गुड डे, बाय।